हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जमजम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जी, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शादी में। और ऐसा हुआ था कि हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे ना, तो लेडीज़ें कम ही थी, और जैसे ही हम गए तो हमें लेडीज़ डिपार्टमेंट में जाने भी नहीं दिया, और पहले ही वहाँ बोल दिया गया कि आप सबसे पहले खाना खा लो। तो हम लोगों को देख के फिर और जो भी मतलब लेडीज़ वहाँ पर पहुँची हुई थी, 5-6-7 जो भी थी, उन लोगों को भी बुला दिया, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये वाली जो दावत है ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली होती है, और ये इतनी अच्छी दावत होती है ना। मतलब मुझसे अगर कोई चॉइस में पूछे ना कि आपको वो जो बफे सिस्टम वाली होती है वो पसंद है, या नॉन वेज वाली दावत पसंद है, या ये इस तरह की पत्तल पर जो खाना खिलाते वो पसंद है, तो मेरी मोस्ट फेवरेट यही वाली दावत होती है। तो बस यहाँ पर हम बैठ गए। अच्छा, ये जितनी भी आप महंगी शादी कर लो, जितना भी आप खाने पर खर्च कर लो, लेकिन सही बताओ ना, आप लोग मेरी इस बात से अग्री करोगे कि वहाँ पर ना आपका पेट नहीं भरता है, और बहुत सारी चीज़ें देख के ना आप कन्फ्यूज हो जाते हो, और मन भी नहीं करता है काफ़ी सारी चीज़ें खाने का, तो पता नहीं क्यों अजीब अजीब से लगता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो दावत होती है ना, इसमें सिंपल चीज़ें होती हैं, 2-3 तरह की बस सब्ज़ी होगी और रायता होगा, मीठा रायता होगा एंड और मिठाई होगी और पूरी, दैट्स इट। लेकिन ये खाना, ओ माय गॉड, एक तो वो मतलब इतना ज़्यादा देते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही देते हैं। ऐसा नहीं आप ज़्यादा लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन वो बार बार चलते ही रहते हैं ना, तो वो गरम गरम आपका ख़त्म नहीं होने देंगे, वो आपके सर पे ही रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, आपसे पूछते रहेंगे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये जो दावत होती है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, और आप लोगों में से किसकी ऐसी दावत फेवरेट होती है तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर ना ये मिठाई इन्होंने रख दी है, रसगुल्ला, और ये दूसरी तरह की पान पेठा जो होती है ना, वो वाली मिठाई है, खोई के पान आप कह सकते हैं ना। तो ये वो वाली दो तरह की मिठाई थी, और यहाँ पर ये दे रहे हैं रायता। अच्छा, रायता जो मीठा रायता तरह, ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़्यादा यम था कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर आप मेरी फुल थाली हो गई है रेडी। मीठा रायता है, खट्टा रायता है, मटर पनीर की सब्ज़ी है, मिक्स वेज है, और अभी एक आलू की सब्ज़ी और रह गया, वो है एंड पूड़ी। बस अब मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ खाना, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। तो बस हम लोग तो खा के फ्री हो गए थे, यहाँ पर और लेडीज़ आ गई थी फिर उसके बाद, और ये हैं दुल्हन की बहन, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, दुल्हन भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप देखना बिल्कुल ना भूलना। और यहाँ पर ये देखो, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी है, और मेरे बच्चों के तो पॉपकॉर्न मोस्ट फेवरेट है, स्पेशली लिबा के। तो ये भैया थे नहीं हमारे साथ, मैं और मम्मी ही आए थे, और ये भैया कहीं काम से गए हुए थे, अब भैया भी आ गए हैं और आके ले लिया है शोनक। और आज फाइनली आपको मैं शोनक को भी दिखाऊंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कहा था आप शोनक को दिखाओगी, उसका नेम रिवील करोगी, तो आप कब करोगी? तो आज के ब्लॉग में तो मैं आपको बस शोनक को दिखाऊंगी, नाम की बात हम करेंगे बाद में। तो बस खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर हम पियेंगे कॉफ़ी। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि बाद में भी, हम तो बाद में ही पीते हैं, अच्छा लगता है, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी आ गई है तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खाना पीना खाकर हम लोग आ गए थे एक रूम में, और ये रूम दुल्हन का था, यहीं पर दुल्हन का बैठने का अरेंजमेंट था। तो ये भी उनकी कोई रिश्तेदारी थी, मतलब मैंने बताया ना घर जैसी बात थी, तो मम्मी सभी को जानती थी। तो यहाँ पर बस आराम से इत्मीनान से बैठ के हम लोग पी रहे थे कॉफ़ी, और बाहर थोड़ा सा ये था ना कि मतलब खाना पीना खा के और जल्दी से हम लोग कमरे में आ गए थे ताकि फ्री होके बैठे, क्योंकि बाहर जेंट्स वगैरह भी थे। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी आपको आज दिखाऊँगी अपनी शोना, यहाँ पर आके दुल्हन बैठेगी। तो शोना के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी शोना कब दिखाओगी, तो आज है वो दिन जब आपको दिखाएंगे अपनी शोना। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए, हमें लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि हैवी सी ज्वेलरी पहनती तो और ज़्यादा मज़ा आता, और कुछ लोग छेड़ भी रहे थे कि आज तो जीजू फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन वो बात ये थी कि जीजू आपके थे ही नहीं, वो काम से गए हुए थे, और मैंने मतलब इतने उसमें इतना कर लिया ना, यही बहुत ज़्यादा मानो चार। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे चुना। तो आप लोग बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारी दुआएं देना, और बस आप लोगों को मेरी शोना कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छा, मैंने लास्ट के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम शोना को लेकर नहीं जा रहे हैं, मैंने ना इसके ऊपर 1 घंटा लगा दिया था, और इसको अच्छे से सुलाया कि ये सो जाए, और ताकि हम मतलब थोड़ी सी देर के लिए जाएं और बस आधे घंटे में हम वापस भी आ जाएं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे ऐसा करने नहीं देते। तो फिर हमें साथ में लाना पड़ा, और छोना का लॉन्च हो रहा है उनकी दादी की गोद में। तो यहाँ पर छोना और दादी आप लोग देख सकते हैं, एक साथ ही हैं, और इनका मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसने मुझे वहाँ जाके परेशान भी नहीं किया, इसको अच्छा लग रहा था, तो बाहर नई नई चीज़ें देखने के लिए, शायद पहली बार ही निकली है, तो इस वजह से उसको अच्छा भी लग रहा था, और बहुत रिलैक्स थी हमारी शोना।
मुझसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसका नाम बताओ नाम बताओ। मैं आपको सही बताऊँ ना, मैंने एक नाम सोच लिया था, लेकिन उस नाम में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और वो थोड़ा सा मतलब कुछ कन्फ्यूजन सी हो गई थी, तो इस वजह से अब वो नाम हमने ड्रॉप कर दिया। तो तब से अब तक सिंस मैं अब भी लगी हुई हूँ, अब भी ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई नाम मिल जाए अच्छा सा, अभी तक भी मुझे कोई अच्छा नाम नहीं मिला है। तो आप लोग मेरी शोना को देख लें और देख के बताएं कि इसके ऊपर कौन सा नाम सूट करेगा। और उसके अलावा आप लोगों को ये भी बताना है कि मेरी शोना है किस पे। ये ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है कि ये मुझ पर है या आपके जीजू पर है या घर में आप लोगों ने सभी मेम्बर्स देखे हैं, हमारी शोना किस पे गई, ये आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। और शोना की इतनी बातें हो रही हैं और शोना पीछे से उठ भी गई हैं, तो उन्होंने सोचा है कि जब मेरा लॉन्च हो रहा है, मेरी शक्ल दिखाई जा रही है, तो मेरी आवाज़ भी सुननी बनती है ना, तो मैं अपनी आवाज़ भी सुना दूँ। तो यहाँ पर मम्मी शूट कर रही हैं और थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रहा है, उसको तो आप माफ़ कर देना। और आज जो है ना, मैं ज़्यादा वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे से ना वो जनरेटर की इतनी भटर 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 आवाज़ आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अनॉइंग लग रहा था। तो बस हमारी ये सारी खुशियाँ आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को नाम बताना है, आप लोगों को पता है आज क्या करना है, मैंने आप लोगों को यही काम दिया हुआ है। और अभी तो और मस्ती है, अभी तो दुल्हन आ जाएगी, मैं आपको वो वाला भी सीन कैप्चर करके दिखाती हूँ। और अभी हम यहाँ पर ना थोड़ी देर आराम से बैठेंगे क्योंकि अब हमें टेंशन नहीं है ना कि हमें घर जल्दी जाना है। यहाँ पर मम्मी मुझे किसी से मिलवा रही है, तो मैं कह रही हूँ अच्छा बस जी दुल्हन आ चुकी हैं और यहाँ पर हम बने हुए थे कैमरामैन, और जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा था मैं वैसे वैसे इनके पोज करवा रही थी। अच्छा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए थी क्योंकि वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर कोई था नहीं और माशाल्लाह दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अच्छे से अच्छे मतलब इनको कैप्चर कर लेती हूँ और जितना मुझे पता उस हिसाब से इनके फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ। और बाजी ने भी कहा था कि हाँ भाभी आप मेरा ले लो, और मैंने पूछा था, मैंने कहा मैं आपको वीडियो में डालूँ, तो उन्होंने कहा हाँ भाभी डालना, तो अच्छा ही है, एक यादगार रह जाएगी बाजी के लिए भी कि हाँ मैं ऐसी लग रही थी। माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे इतना पसंद आया बाजी का ये मेकअप कि पूछो मत। अच्छा, जो सासी में रहते हैं उनको मैं बता दूँ कि ये मेकअप हुआ है स्मृति ब्यूटी पार्लर से, हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है वो कहाँ पर है, लेकिन कहते हैं ना जिसका काम अच्छा है और उसका नाम भी होना चाहिए। और कई बार हमें भी रहता है कि कोई अच्छा पार्लर हो तो कोई हमें बता दे, तो मुझे पता चला तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। हालाँकि जिस पार्लर में मैं जाती हूँ वो भी अच्छा है, बट मैंने उनका इस तरह का मतलब हैवी मेकअप नहीं देखा है और इनका देखा है, तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये दुपट्टा भी वही है जो आजकल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना कि इसकी दुल्हन या उसकी दुल्हन, तो यहाँ पर इनके हस्बैंड का नाम था इमरान, तो ये है इमरान की दुल्हन। अच्छा, इसे देख के ना बड़ा मेरा मन भी कर रहा है, ये है दुल्हन की दोनों बहनें हैं, इनमें से एक काजल बाजी और दूसरी का मुझे सॉरी नाम नहीं पता, और दुल्हन का नाम शायद जूही बाजी ही है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि सबको देखे ना मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, काश हमारे टाइम पे ये चल रहे होते दुपट्टे की शकील की दुल्हन, कितना मज़ा आता। तो मैं इस दुपट्टे को बड़ा संभाल के रखती, लेकिन अब ये दुपट्टा बनवाने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, अब इतने साल हो गए शादी का तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, अब नया ट्रेंड है, नए बच्चे मतलब करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। हे गाइज, वेलकम बैक। तो अब हम आ चुके हैं पार्टी से और रात के बज गए हैं 11,
वैसे हम लोग आ गए थे 10:30 बजे, मतलब मैं आ गई थी और मम्मी अभी वहीं पर है, मैं बच्चों के साथ आ गई थी, पापा भी आ गए हैं, बस हम लोग सब आ चुके हैं क्योंकि ये सोनू बहुत परेशान कर रही थी और मेरे भी बैक में पेन हो रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था ना, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज बहुत सारी भगदड़ हो गई तो इस चक्कर में बहुत थक गई थी। तो बस अब हम लोग घर आ चुके हैं और सोना दूधू पी रही थी तो उन्होंने बहुत सारा परेशान किया है। सोना दूधू पी रही थी, आकर दिखाओ सोनू को, अब आपके परिवार में न्यू मेंबर आ गया है, अब मेरा चोनू भी आ गया, आप लोगों को चोनू भी दिखा कर लेगा, चोनू की वीडियोस दिखा कर लेंगी, है ना चोनू मेरी चुना प्यारी है, मेरी राज दुलारी है। तो आप जाके रिलैक्स हो, ये बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा गोद गोद में परेशान भी हो जाते हैं ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मेकअप साफ़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है और ना ही मिल पाएगा, आप बस हो गया मेकअप जो साफ़ होना था, आप सुबह इंशाल्लाह इकट्ठा ही मुँह धुलेगा तभी मेकअप धुल पाएगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, आप लोग क्या कर रहे थे? अच्छा फिर से खेलना, लिबा उसको हल्दी लगा रहे हैं, इनकी गेम्स। अच्छा, ये हल्दी लग रही है, लिबा वही करती है जो वो कहती है। आयरा को सारे रिचुअल्स पता है कि क्या क्या होंगे। ड्रामे बस बच्चे, बस 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 बस, ओ ड्रामो। तो बस यहाँ पर आप टाइम भी देख लीजिए, 11:15 हो गए। इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग खत्म करूंगी। आप लोगों को पसंद आए, थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं चला लेना। आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, कर लेना, मतलब आप लोगों की मर्जी है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।